ये रहा आपके सामने। हाँ ओके, आपको ये बताना है ऐसी चीज जिसे लेडीज तो पहनती हैं, जेंट्स पहनते भी हैं और खाते भी हैं। सबसे पहले मैम ने बताया, मैम मुझे अपना नाम बताइएगा। प्रियंका। प्रियंका जी, आप हस्बैंड के साथ आई हैं? ऐसी चीज लेडीज पहनती है, जेंट्स पहनते हैं, खाते भी हैं। प्रियंका जी का कहना है चप्पल। तो सभी इनके हस्बैंड को एक बार बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे। एंड प्रियंका जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो आग ही क्या जो जमकर जले नहीं, अजीब बाबा तो कीजिए, कि वो आग ही क्या जो जमकर जले नहीं, वो नशा ही क्या जो सर पर चढ़े नहीं, नहीं बनता कोई तब तक सच्चा आशिक जब तक उसको दो चार पड़े नहीं। एक बार जोरदार तालियों से प्रियंका जी, कांग्रेचुलेशन, यू आर गेटिंग 7 नाइट्स इन बैंकॉक। लेकिन ये सोलो है, आप अकेले जाएंगे विदाउट हस्बैंड, सो हाउ यू आर गोना डू इट आई डोंट नो। ओके, हाँ अगर दूसरे सवाल का जवाब भी आप ही आपके हस्बैंड देते थे तो फिर दोनों का हम कपल ट्रिप कर सकते हैं, बट अदरवाइज अपने पे इतने ज्यादा पैसे नहीं है, सो प्लीज। हाँ ऑलराइट, सो दूसरा सवाल यहाँ पर फॉर 7 नाइट्स स्टे इन बैंकॉक जाने के लिए ये रहा आपके सामने। हाँ ओके, आपको ये बताना है ऐसी जगह जिसे बनाता तो आदमी है लेकिन उस जगह कभी जा नहीं पाता। लेडी टॉयलेट। लेडीज टॉयलेट। आरोही जी, आप पासपोर्ट लेके आएंगे? पासपोर्ट तो बना हुआ है ना आपका? पासपोर्ट नहीं बना हुआ है फिर बैंकॉक कैसे जाना हो पाएगा 7x? I'm so sorry, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। जो जीतेंगे उनको 7 नाइट्स स्टे बैंकॉक नहीं बोरी बनी लिखाया है। मुझे पता चला कि आप में से काफी लोग